गुड मॉर्निंग एवरीबडी, माई सेल्फ गिरिराजचंद अग्रवाल, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके सामने कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए एक नया लेसन लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आशा करता हूँ कि सभी स्टूडेंट्स मेरे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, आज का जो लेसन जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं, आप इस बात को जरूर देखेंगे कि कौन सी पुस्तक से है। कक्षा 10 के अंदर राजस्थान बोर्ड के सिलेबस में जो पाठ्य पुस्तक चलती है रिसोल्यूशन, उस पुस्तक का पहला पाठ है जिसका नाम है द थीप स्टोरी, और इसका भी आप आज मैं आपको सामने पार्ट फर्स्ट बताने जा रहा हूं। क्यों यह वीडियो मेरा दो खंड में होगा, पार्ट फर्स्ट आधी स्टोरी अगले वीडियो में आएगी, तो पहला खंड में आज आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, द थीप स्टोरी, इसके लेखक जो है उनका नाम है रस्किन बॉन्ड। देखो, इसमें एक ऐसे चोर की कहानी का वर्णन है जो किसी अच्छे व्यक्ति की संगत में पढ़कर अपना चोरी करने का काम छोड़ देता है और सही मार्ग को वो अपना लेता है। तो इस वीडियो को प्रारंभ करूं इससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह आपको रोज वीडियो का लाभ मिलता रहेगा, कभी लेसन तो कभी इंग्लिश ग्रामर। तो सबसे पहले वर्ड्स मीनिंग्स हम देखेंगे, क्या बताया है एक्सपीरियंस्ड अनुभवी, सक्सेसफुल मीन्स सफल, रेसलिंग मीन्स कुश्ती, कॉन्फिडेंस मीन्स विश्वास, रेसलर पहलवान, मॉडेस्टली सभ्यता से, एम्प्लॉयर मीन्स सहकर्मी, मिसजज्ड इससे पहले इंट्रोडक्शन मीन्स परिचय, मिसजज्ड गलत निर्णय, टेरिबल मीन्स भयानक, स्ट्रे डॉग आवारा कुत्ता होता है, ग्रेटफुल आभारी होना, एजुकेटेड मीन्स शिक्षित, अचीव प्राप्त करना, प्लेजर मीन्स आनंद, सप्लाइज आपूर्ति मैगजीन पत्रिका, अपॉर्चुनिटी मीन्स अवसर, ट्रस्टिंग पर्सन विश्वासपात्र, डिफिकल्ट मीन्स कठिन, अफोर्ड वहन करना, डिफिकल्ट मीन्स कठिन दोबारा ही मैंने गाली कोई बात नहीं। अब हम आगे चलते हैं, इसका अर्थ, इसमें एक चोर की कहानी बताइए कि वो किसी भले आदमी के संगत में आता है, हालांकि वो आता उसके घर चोरी करने के पर्पस से ही है, लेकिन उसके व्यवहार से उससे जो लाभ उसको मिल रहा था उसके मन में आया कि चोरी से मैं कितना समय व्यतीत कर सकता हूं, कब तक मेरा जीवन यापन होगा, चोरी करता रहूंगा तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा, हमेशा चोरी करनी पड़ेगी। तो देखिए, चोर खुद अपनी स्टोरी को सुनाता है, आई वॉज स्टिल ए थीफ व्हेन आई मेट अनिल। तो सभी विद्यार्थी पाठ के अर्थ को समझे, इसके लिए आप अपने पाठ्य पुस्तक रिसोल्यूशन का पहला पाठ खोलकर बैठे
तो आपके ज्यादा समझ में आएगा, केवल सुनने से समझ में आने वाला नहीं है। तो आप लेसन को खोलेंगे तभी आप मेरे साथ साथ फॉलो कर पाएंगे। तो आशा करता हूं सभी ने पुस्तक खोल ली होगी। अब मैं अर्थ समझा रहा हूं, हिंदी ट्रांसलेशन समझने का प्रयास करें। आई वॉज स्टिल ए थीफ व्हेन आई मेट अनिल, जब मैं अनिल से मिला अब तक मैं चोर था। एंड थॉट आई वॉज ओनली 15, यद्यपि मैं 15 वर्ष का था। आई वॉज एन एक्सपीरियंस एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। तो आई वॉज एन एक्सपीरियंस एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, मैं अनुभवी और बिल्कुल सफल व्यक्ति था। अनिल वॉज वॉचिंग ए रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच हिम, जब मैं उसके पास पहुंचा तो वह कुश्ती का मैच देख रहा था। ही वॉज अबाउट 25, ए टॉल लीन फेलो, वह लगभग 25 वर्ष की उम्र का दुबला पतला और लंबा व्यक्ति था। एंड ही लुक इजी गोइंग, और वह बिल्कुल सरल स्वभाव वाला प्रतीत होता था। काइंड एंड सिंपल एनफ फॉर माय पर्पज, बिल्कुल सीधा साधा और साधा दयालु व्यक्ति, और वो मेरे पर्पज के लिए पर्याप्त था। यानी मैं जिस पर्पज से उसके पास गया मेरा पर्पज पूरा हो सकता था, मेरा उद्देश्य पूरा हो सकता था। यहां पर पर्पज की मैंने नहीं लिखी, तो पर्पज मींस होता है उद्देश्य। तो मैं मेरे उद्देश्य को पूरा कर सकता था। आई एम श्योर, आई वॉज श्योर आई वुड बी एबल टू विन द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस, मुझे विश्वास था कि मैं इस नवयुवक के विश्वास को जीतने में समर्थ हो जाऊंगा। यू लुक ए बिट ऑफ रेस्लर योरसेल्फ, तुम अपने आप में एक पहलवान दिखाई देते हो। आई सेड, मैंने कहा, तुम मुझे पहलवान नजर आ रहे हो। आई सेड ए लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, लिटिल फ्लैटरी हेल्प इन मेकिंग फ्रेंड्स, थोड़ी सी चापलूसी दोस्त बनाने में सहयोग करती है। थोड़ी सी चापलूसी दोस्त बनाने में सहयोग करती है। सो डू यू, तो तुम्हें क्या लगता है। ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया। विच पुट मी ऑफ फॉर ए मोमेंट, जिसने मुझे एक क्षण के लिए अलग कर दिया। बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रेदर ए थिन, कि उस समय मैं भी अपेक्षाकृत दुबला पतला था। वेल, अच्छा, आई सेड मॉडेस्टली आई डू रेसल ए बिट, मैं कुछ कुश्ती लड़ता हूँ। तो मैं भी क्या, थोड़ी बहुत क्या है, कुश्ती लड़ता हूँ। व्हाट डू यू नेम, तुम्हारा क्या नाम है। मैंने अपना नाम बताया हरी सिंह, लेकिन एक्चुअल में आई लाइड, मैंने झूठ बोला था। आई टुक ए न्यू नेम एवरी मंथ, हर महीने एक नया नाम लेता था। आई टुक ए न्यू नेम एवरी मंथ, हर महीने नया नाम लेता था। दैट केप्ट मी अहीड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, जो मुझे पुलिस से और मेरे फॉर्मर एम्प्लॉयर्स जिनको कहते हैं सहकर्मी, उनसे वह मुझे क्या है, दूर रखता था। कोई मुझसे पकड़ नहीं सकता था, इसलिए बार मैंने नाम बदल दिया। नेक्स्ट आगे दिए, आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, अब परिचय हो गया। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक अबाउट द
बेल ऑयल रेसलर्स अनिल ने उस बेल ऑयल रेसलर तेल मालिश के पहलवान के बारे में बातें की हुवर ग्रंटिंग लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर जो पहलवान कुश्ती लड़ रहे थे उनके बारे में बातें की आई डिडंट हैव मच टू से मेरे पास भी कहने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था आई डिडंट हैव मच टू से कहने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था अनिल वॉक्ड अवे अनिल चला गया आई फॉलोड कैजुअली मैंने उसका पीछा किया अनिल वहां से कुश्ती लेके चला गया तो मैंने उसका पीछा किया हेलो अगेन फिर दोबारा ही सेड ने कहा आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल मैंने उसे बहुत स्नेह से मुस्कुराहट दी उसे मुस्कुराया आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू आई सेड मैंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूं बट आई कांट पे यू लेकिन अनिल ने कहा मैं तुम्हें पैसा नहीं दे सकता ठीक है तुम काम करना चाहते हो मैं तुम्हें पैसा नहीं दे सकता आई थॉट दैट ओवर फॉर ए मिनट मैंने इस बिंदु पर एक मिनट के लिए सोचा आई थॉट फॉर ए मोमेंट एट दिस मिनट मैंने एक मिनट के लिए इस बिंदु पर सोचा परहैप्स शायद आई हैव मिसजज्ड माय मैन ऐसा लगता है कि मैंने मेरे व्यक्ति को गलत पहचाना आई आस्क्ड कैन यू फीड मी फिर मैंने पूछा क्या तुम मुझे खिला सकते हो कैन यू फीड मी क्या तुम मुझे खिला सकते हो कैन यू कुक अनिल ने पूछा क्या तुम खाना बना लोगे आई कैन कुक मैंने जवाब दिया हाँ मैं खाना पका सकता हूं लेकिन उसे खाना बनाना नहीं आता झूठ बोला था इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू यदि तुम खाना पका सकते हो तो मैं तुम्हें खाना खिला भी सकता हूं अगर खाना पका सकते हो तो मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूं ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द स्ट्रीट शॉप उस मिठाई की दुकान के ऊपर मैं मुझे कमरे पर ले गया एंड टोल्ड मी और उसने मुझको बताया आई कुड स्लीप ऑन द बालकोनी टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकोनी कि मैं बालकोनी में सो सकता था बट द मील आई कुक्ड दैट नाइट लेकिन वह भोजन जो मैंने उस रात पकाया मस्ट हैव बीन टेरिबल अवश्य ही भयानक होना चाहिए जो खाना मैंने पकाया था वो कैसा होना चाहिए बहुत बुरा बिकॉज अनिल गेव इट टू ए स्ट्रे डॉग क्योंकि अनिल ने वह खाना उस आवारा कुत्ते को दे दिया स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ और उसने मुझे खाना बनाने से मना कर दिया रोक दिया अब तुम खाना मत बनाना बट आई जस्ट हंग अराउंड लेकिन मैं केवल उसके आसपास मंडराता रहा स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे और मैं सबसे अधिक अपीलिंग वे यानी प्रसन्न करने के तरीके से मुस्कुराता रहा मोस्ट अपीलिंग वे मना कर दिया एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग और वह भी हंसने से नहीं रुका उस बात पर उसको भी हंसी आ गई खाना बनाने से मना कर दिया फिर मैं ऑफिस हो गया फिर हटाएगा मेरे को लेटर बाद में ही पेटेड मी ऑन द हेड उसने मेरा सिर थपथपाया सिर पर हाथ रखा और कहा नेवर माइंड चिंता मत करो ही वुड टीच मी टू कुक
वह मुझे खाना बनाना सिखा देगा। He also taught me to write my name. वह मुझे अब मेरा नाम लिखना भी सिखाएगा। And said, और ये भी कहा उसने, He would soon teach me to write whole sentences. कि वह पूरे बड़े बड़े वाक्य लिखना भी सिखा देगा। एंड टू एड नंबर, और क्या सिखाएगा? संख्याओं का जोड़। क्या सिखाएगा? संख्याओं का जोड़। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं बहुत आभारी था जो मुझे लिखना पढ़ना सिखा देगा। और मुझे क्या चाहिए? आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन। मैं जानता था कि एक बार मैं एक शिक्षित व्यक्ति की तरह लिखना सीख सकूं, तो देयर वुड बी नो लिमिट व्हाट आई कुड अचीव। तो फिर इसकी कोई सीमा नहीं होगी कि मैं कितना प्राप्त कर सकता था। व्हाट आई कुड अचीव, मैं कितना प्राप्त कर सकता था। सोचा यार बस लिखना पढ़ना आ जाएगा तो मुझे तो बहुत कुछ मिल जाएगा। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल। अनिल के लिए काम करना पूर्णतः आनंददायक था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, मैं प्रातःकाल चाय बनाता था। एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाई, दिन का सामान खरीदने के लिए मैं चला जाता था। Usually making a profit of about a rupee a day, और सामान्यतया एक दिन एक रुपये एक दिन का मैं क्या लाभ कमाता था, या दिन की आपूर्ति जो लाता था सामान उनमें से मैं एक रुपये प्रतिदिन अंदाजन बचाता था। I think he knew, मैं सोचता था, he knew I made a little money, कि मैं इस तरह पैसा बनाता था इस तरीके से। बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, लेकिन वो इस पर ध्यान देता और प्रतीत नहीं हुआ, ध्यान नहीं देता था वो इस पर। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्स, अनिल कड़ी मेहनत करके पैसे कमाता था। ही वुड बोरो वन वीक एंड लेंड द नेक्स्ट, एक सप्ताह पैसे उधार देता था, उधार लेता था और अगले सप्ताह उधार देता था। He kept worrying about his next check, और वह हमेशा अपने अगले चेक के बारे में चिंतित रहता था। When as soon as it arrived he would go out and celebrate, जैसे उसका चेक आता था बाहर जाता था और अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करता। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स, ऐसा लगता था वह मैगजीन्स के लिए लिखता था, ऐसा लगता था वो समाचार पत्रिकाओं के लिए लेख लिखता था। ए क्यूर वे टू मेक ए लिविंग, जीवन यापन करने का एक विचित्र तरीका। ए क्यूर वे टू मेक ए लिविंग, जीवन यापन करने का एक विचित्र तरीका पैसा कमाने का। वन इवनिंग, आगे घटना बताता है क्या हुआ। एक शाम को ही केम होम विद ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, वह नोटों की एक छोटी गड्डी लेकर आया। विद ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, नोटों की गड्डी लेकर आया। Saying he had just sold a book to a publisher, ये कहते हुए कि उसने एक पब्लिशर को पुस्तक बेची है। इसको बेची है पब्लिशर को, उसने क्या है अभी अभी पुस्तक बेची है, उसका मुझे पैसा मिला। एट नाइट आई सा हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस,
शाम रात में मैंने उसे उस पैसे को गद्दे के नीचे छिपाते हुए देखा। उस पैसे को गद्दे के नीचे छिपाते हुए मैंने देखा कि ठीक है सर, पैसे को छिपा। अब वो कह रहा है कि आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर विद ए फॉर अनिल ऑलमोस्ट ए मंथ। मैं लगभग एक महीने से अनिल के लिए काम कर रहा था। कब से कर रहा था? एक महीने से मैं अनिल के लिए काम कर रहा था। एंड अपार्ट फ्रॉम सीटिंग ऑन द शॉपिंग, जो शॉपिंग पर जो चीटिंग करता था, इसके अलावा हैड नॉट डन एनीथिंग मीन इन माई लाइन ऑफ वर्क। मैंने मेरे कार्य में ऐसा कुछ नहीं किया, केवल मैं क्या शॉपिंग्स पे एक आध रुपये बचाता था। इसके अलावा मैंने कोई चोरी नहीं की। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी टू डू सो, और मेरे पास ऐसा करने का हर अवसर होता था। अनिल हैड गिवन मी ए की टू द डोर, अनिल मुझे घर की चाबी दे चुका था, और क्या चाहिए। अनिल हैड गिवन मी टू द की ऑफ द डोर, दरवाजे की चाबी दे चुका था। आगे क्या हुआ? एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज, क्योंकि मैं मन चाहे जब आ सकता था जा सकता था, इसलिए मुझे चाबी दी। ही वाज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। वह सबसे ज्यादा विश्वास पात्र था जो मुझे मिला, यानी ऐसा विश्वास पात्र मुझे व्यक्ति कहीं नहीं मिला। पहला व्यक्ति था जो मुझ पर इतना विश्वास करता था, इतना विश्वास कि वह मुझे चाबी दे चुका था। एंड दैट इज व्हाई इट वाज डिफिकल्ट टू रोब हिम, और यही कारण है इट वाज डिफिकल्ट टू रोब हिम, उसे लूटना बहुत कठिन था। इसी वजह से मैं उसको लूटना क्या है कठिन था। That is why it was difficult to rob him, उसे लूटना कठिन था। It is easy to rob a greedy man, एक लालची व्यक्ति को लूटना तो सरल होता है। Because he can afford to be robbed, वह अपने लूट को वहन कर सकता है। लालची व्यक्ति सहन कर लेगा चोरी हो जाएगी तो। But it is difficult टू रोब ए केयरलेस मैन, एक लापरवाह व्यक्ति को लूटना बहुत कठिन होता है। समटाइम ही डजंट इवन नोटिस ही हैज बीन रोब, उसे इतना ही महसूस नहीं होता कि उसे लूट लिया गया। ये लापरवाह व्यक्ति को ये पता नहीं चलता कि उसे किसी ने लूट लिया। आफ्टर ऑल एंड देट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, कार्य के द्वारा जीवन के वो सभी आनंद लेता है। पता ही चलता उसे लूट लिया, लापरवाह व्यक्ति है, तो इसलिए लापरवाह व्यक्ति को लूटना कठिन है। वेल इट इज टाइम आई डिड सम रियल वर्क, इस समय मैंने मेरा कुछ कार्य किया। रियल वर्क या जब मैंने चोरी करने के बारे में सोचा, क्यों बहुत सारे पैसे लाया था, गद्दे के नीचे छिपाते हुए देख लिया। आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, मैं बहुत अनुभवी हूं। एंड इफ आई डोंट टेक द मनी, वो यदि मैं पैसा नहीं लूंगा, इफ आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, वैसे केवल अपने दोस्तों पर खर्च कर देगा। तो ही विल वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, यदि मैं इस पैसे को नहीं लूंगा, वो सोचता है कि मान लो क्या होगा, मैं चोरी नहीं करूंगा तो क्या होगा, यह इस पैसे को दोस्तों पर खर्च कर देगा।
आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी, आखिरकार वो मुझे पैसा भी तो नहीं देता है, काम के बदले सैलरी भी तो नहीं देता है, इसलिए बढ़िया है, इसका पैसा तो खर्च होना है तो मैं ही लूट लेता हूं। इस प्रकार से उसने चोरी करने का मन बना लिया। आगे क्या होता है इसके लिए हम अगला पार्ट देखेंगे, सेकंड पार्ट, जिसमें किस प्रकार से चोरी करता है। अगले वीडियो के लिए मैं फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। थैंक यू।